नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। G20 के अति विशिष्ट अतिथियों के सत्कार को लेकर इन दिनों मांडू में तैयारियां की जा रही हैं। SDM रोशनी पाटीदार और तहसीलदार सुरेश नागर ने अपने हाथों से आदिवासी परिवारों के आंगन को गाय के गोबर से लीपा और संस्कृति बचाने का संदेश दिया। चौराहे से जहाज महल रोड तक सजावट जारी है। इस दौरान SDM और तहसीलदार ने गोबर भी लीपा। यहां आदिवासियों के मकानों को पारंपरिक स्वरूप देकर दुनिया भर से आए अतिथियों को संस्कृति की खूबियों से रूबरू कराने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। यहां मांडू की पुरानी इमली, शेरनी, सीताफल, वनस्पति, जड़ी बूटियों के स्टॉल आदिवासी परिवारों के यहां आंगन में लगाए जाएंगे। G20 देशों के अति विशिष्ट अतिथियों का 14 फरवरी को दौरा मांडू में है। इसको लेकर पिछले 3 महीने से मांडू में युद्ध स्तर पर व्यापक तैयारियों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 अतिथि पहले दौरे में मांडू पहुंचेंगे। इस दौरान वे मांडू के जहाज महल का इतिहास जानेंगे, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से मांडू को समझेंगे और रात में गाला डिनर में शामिल होकर इंदौर की ओर रवाना होंगे। SDM रोशनी पाटीदार और तहसीलदार सुरेश नागर ने आदिवासी महिलाओं के साथ अपने हाथों से गोबर इकट्ठा किया और उसके बाद उनके आंगन में गोबर से लिपाई भी की। SDM को आम महिला की तरह गोबर लीपते देख आदिवासी महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं। मांडू का जहाज महल मार्ग आदिवासी संस्कृति के परिवेश का नजारा आने लगा है। SDM रोशनी पाटीदार और तहसीलदार सुरेश नागर ने घर, आंगन और दीवार लिपी इन लोगों के साथ और कहा, यही हमारी मूल्यवान संस्कृति है और हमें इसे आत्मसात करना है।